तो आज के ना इस वीडियो में हम बनाएंगे मसाला मिल्क, जो कि बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग रेसिपी और सभी को बहुत ज़्यादा पसंद आती है। और ना ये ना साथ साथ ही हेल्दी भी है कि आप अपने बच्चों के लिए ये बना सकते हैं बहुत आसानी से। सो इसको बनाने के लिए मिक्सी के जार में मैंने डाले हैं थोड़े से बादाम, थोड़े से डालेंगे हम यहाँ पे काजू, और थोड़े से ही डालेंगे हम यहाँ पे पिस्ता। अगर आपके पास कोई भी ड्राई फ्रूट हो तो उसको भी आप ऐड कर सकते हैं। तो अब इनको ना अच्छे से इसका मिक्सरण कर लेना है। तो अब ना ड्राई फ्रूट्स का पाउडर यहाँ पे बनकर तैयार है। तो मैंने यहाँ पे ना एकदम फाइन पाउडर नहीं बनाया है, हल्का सा दरदरा रखा है ताकि जब हम दूध पियेंगे ना तो उसमें हल्का सा इसमें इसका टेस्ट आता है, जो कि बहुत अच्छा लगता है। तो अब ना दूसरी तरफ एक बर्तन में हम डालेंगे दूध। तो मैं यहाँ पे 3 ग्लास के करीब बना रही हूँ मसाला मिल्क। आप जितना बनाए उस हिसाब से दूध ऐड कर सकते हैं। तो 3 ग्लास के करीब हम डाल देंगे इसमें दूध, और दूध को हल्का सा गर्म होने के बाद अब हम इसमें डालेंगे स्वाद अनुसार चीनी। चीनी आप अपने पसंद अनुसार कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। तो चीनी डालने के बाद ना एक बार हम अच्छे से इसे चला लेंगे, और इसको ना एकदम अच्छे से चला लेने के बाद ना हम इसमें डालेंगे केसर, क्योंकि केसर के बिना तो मसाला दूध फिर बाजार जैसा बनता ही नहीं है। तो केसर था मैंने इसलिए ऐड कर दिया। अगर आपके पास ना हो तो आप स्किप भी कर सकते हैं। तो केसर को भी अब अच्छे से हमने यहाँ पर चला लिया है। तो अब ना हम हमारे दूध को गर्म होने देंगे। तो दूध गर्म हो रहा है, तब तक एक बात बता दूं कि स्क्रीन में ऊपर की तरफ आपको मेरी इंस्टाग्राम आईडी दिख रही होगी, नहीं तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, वहां आपको बहुत अच्छी अच्छी रेसिपीज मिल जाएंगी, आप जा सकते हैं। तो अब ना दूध गर्म हो गया, गर्म हमारा, तो अब ना हम डालेंगे इसमें इलायची पाउडर, जिससे ना टेस्ट जो दूध का है वो 2 गुना हो जाता है। तो उसके इलायची पाउडर डालने के बाद हम इसमें डालेंगे हमने जो ड्राई फ्रूट्स का मिक्सचर किया था, वो डालने के बाद करेंगे अच्छे से मिक्स। तो अब ना 1 या 2 उबाल अच्छे से आने देंगे, क्योंकि 1-2 उबाल पहले भी आ चुका है। तो हमारा यहाँ पे उबाल आ गया है। तो अब मैं यहाँ पे कर देती हूँ गैस को ऑफ, और हमारा ना मसाला मिल्क यहाँ पे बनकर तैयार है। तो मैंने कहा था ना कि बहुत ही ज़्यादा आसान है, तो आसान होने के साथ साथ बहुत ज़्यादा हेल्दी भी है। आप अपने लिए, अपनों से बड़ों के लिए, बच्चों के लिए बनाकर ज़रूर से ट्राई करें, और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको ये जो रेसिपी है ये कैसी लगी। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट करें, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।